नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं आज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल यानी मैं बलवंत सारण आपको एक बढ़िया पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा भाई, इतना ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा भी आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा तो दिल खुश रहता है। हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का दूसरा पार्ट। जैसे हमने देखा भी पहले डोबिनियर आए, उसके बाद मेडलीफ आए, मेडलीफ के बाद आपके सॉरी न्यूलैंड आए, न्यूलैंड के बाद मेडलीफ आए। और मेडलीफ के बारे में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी वो किसने दी? मोजले ने। तो भाई मोजले तो मोज कर दी, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे मोजले, रोजले, मोजले, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। अगर पूछे तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो आपके डोबिनियर ने किया, याद रखना डोबिनियर ने किया। कब किया जी? 1829 ईस्वी के अंदर कार्रवाई बैठा दी, ठीक है। दोबारा अब एक इन्होंने कौन सा नियम दिया था आपको पता होना, त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था। आपको पता है पिछली क्लास में, आप पढ़ लेना ट्राइड नियम। उसके बाद एक अष्टक नियम किसने दिया, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अष्टक नियम, ऑक्टेव नियम। तो ये दिया था मेड न्यूलैंड ने। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। तीसरी बात आती है जब आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाई थी। आवर्त सारणी सबसे पहले मेडलीफ ने बनाई थी भाई, डिमिट्री मेडलीव, ठीक है। तो आवर्त सारणी के जन्मदाता मेडलीफ हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताने वाले मेडलीफ हैं। वर्ग आवर्त को बनाने वाले मेडलीफ हैं, ठीक है। 63 इनके समय में क्या थे? तत्व खोजे जा चुके थे। उनकी पीरियोडिक टेबल फेल होने का कारण भी हमने पीछे बताया था। हम मेडलीफ के आगे पढ़ेंगे अब आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वाह, अब यहाँ तक तो कुछ झंझट सा ही रहा। अब भाई एक बंदा आया और उसने क्या कर दी? मौज कर दी। क्या कर दी? मौज कर दी। तो मोजले, हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। तो यहाँ से तीन याद कर लेना, 1913 की बात है ये। वैज्ञानिक का नाम मोजले, क्या ले? मोजले, ठीक है ना, 1913 की बात। इन्होंने बनाई आधुनिक आवर्त सारणी। किसने बनाई? मोजले ने बनाई भाई, मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, या जनक किसे कहा जाता है? एक ही बात है भैया, याद करना आपको। जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना, आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं 118 तत्वों की, वो किसके द्वारा बनाई गई है? मोजले के द्वारा। नहीं, सब मोज लो अब, बस मैंने मेरा काम कर दिया, आप मोज लो। तो मोजले ने क्या कर दिया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया। मोजले किस प्रकार लें? देखो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, सबसे मेन पॉइंट इसका क्या है, वो किस पर आधारित है? तो वो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पे आधारित है, याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आधारित किसके अनुसार? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको सजाया गया है। पीछे तीन वैज्ञानिक आए थे, उनका यही दोष था सबसे बड़ा भी, उन्होंने परमाणु भार को सबसे बड़ा परमाणु का गुण माना भी। इसके अनुसार ही परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण चेंज होते हैं, जैसे जैसे भार चेंज होगा उसी उसी प्रकार से उस तत्व के परमाणु जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे। लेकिन इस बात ने एक नई सोच और नए एक एक्सपेरिमेंट में यह पता चला भी, जो परमाणु का भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं ना, इनके मोजले के द्वारा बताया गया भी परमाणु के
भौतिक और रासायनिक गुण है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वह भौतिक है, रासायनिक गुण। परमाणु एटॉमिक नंबर क्रमांक के फलन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। जैसे मैं ये लिखता हूँ एक्स, इसके ऊपर मैंने ए लिखा, आसमान, आसमान मतलब ऊपर, मैंने ये समझाया था वहाँ पे, ए से आसमान, आकाश, आकाश ऊपर, ऊपर क्या उठाते हैं सर पे, भार, तो ऊपर वाला क्या है, भार होता है ना, और ये तत्व का सिंबल होता है, और नीचे जेड लिखते हैं, जेड हम क्रमांक लिखते हैं, जेड को हम क्या बोलते हैं, क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। यानी जेड किसके बराबर होता है, तो आपको बताया था जेड बराबर पी के होता है, पी बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, किसकी संख्या, प्रोटॉन संख्या, ठीक है ना, प्रोटॉन संख्या। और परमाणु अगर उदासीन है तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर। परमाणु अगर ये उदासीन परमाणु की बात करते हैं तो आपको पता है, न्यूट्रल अगर एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, उनकी संख्या परमाणु में बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या जेड होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ए बराबर आपको पता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो संख्या या उसे जोड़ जो है, उसका भार जो है, द्रव्यमान, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं किसी एटम का। ठीक है, तो इस पर निर्भर नहीं करते, क्या नहीं करते, परमाणु रासायनिक गुण निर्भर किस पे करते हैं, जेड पे करते हैं, किस पे करते हैं, जेड, क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है, न्यूट्रॉन की संख्या बदल भी सकती है मान लो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल भी सकती है, ठीक है, लेकिन क्या रहती है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो स्थिर रहती है किसी भी एटम के अंदर। तो इन्होंने बताया भी परमाणु के भौतिक और रासायनिक गुण है ना, वो परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक जैसा होगा उस हिसाब से उसके गुण धर्म बदलते रहेंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक के उसके गुण धर्म बदलते रहेंगे, इन्होंने बताया। और इसके आधार पर इन्हें तत्वों को सजाया, इन्होंने कार्ड लिए अपने छोटे छोटे कार्ड के अंदर, क्या किया, परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए, परमाणु क्रमांक भी कौन सा परमाणु क्रमांक का, एक नंबर कहाँ आएगा, दो नंबर कहाँ आएगा, तीन नंबर कहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने सजाए, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेन चीज याद रखना, मैं मुख्य बात यही है, यह बात याद होगी तो पीरियोडिक टेबल में कुछ नहीं बचता है ना। इन्होंने देखो आवर्त जो सारणी अब हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें पूछ लिया जाता है आवर्त सारणी जो है उसके अंदर जो खड़े स्तंभ है, खड़े स्तंभ है, यानी खड़े स्तंभ लिख दे वो, या वो कह दे ऊपर से नीचे जो लाइन जाती है, ऊपर से जो नीचे लाइन जाती है वो क्या है, आपको कह दे ऊपर से नीचे जो लाइन जाती है, ठीक है, आपसे जो कह दे ऊर्ध्वाधर, पंक्ति है उसको क्या कहते हैं, आपको वो ये भी कह सकता है वर्टिकल कॉलम जो है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बात है, यानी लाइन जो ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर से नीचे जाती है उसको वर्ग कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वर्ग, ऊपर से नीचे कर लो, ठीक है ना, खड़े हो गए स्तंभ, और इस प्रकार से ऊपर से नीचे जा रही है ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, ऊपर से जो नीचे जाती है उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, टॉप से बॉटम जाती है, और वर्टिकल कॉलम इसे ही कहा जाता है। तो ये वर्टिकल कॉलम कह दो, इसको पंक्ति कह दो, लाइन कह दो, ये वर्ग कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ग। अब दूसरी बात, आवर्त सारणी के अंदर दूसरी बात क्या कहते हैं, भी चाहे क्षितिज, समझ लो, ये बात समझ में नहीं आई तो आगे कुछ समझ में नहीं आना, क्षितिज पंक्ति को क्या कहा जाता है, क्षितिज यानी इससे जो पढ़िए, हॉरिजॉन्टल लाइन कह दे, बायां से दायां
यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, देख लो, बायां से दायां पंक्ति कह रहा है ये, ठीक है, क्षितिज के बाद बायां से दायां जा रहा है, पड़े स्तंभ है, खड़े नहीं है तो आप कह दो पड़े स्तंभ है, लेटे हुए स्तंभ, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल। तो उनको क्या कहा गया है, उनको आवर्त कहा गया है, यानी उनको क्या कहा गया है, पीरियड कहा गया, ये बात याद रखनी है, इसको ग्रुप कहा गया है, इसको ग्रुप कहा गया, ठीक है, यानी कौन सी लाइन, ये लाइन, ये लाइन तो वर्ग है, लेकिन ये जो लाइन है ना इधर से इधर जा रही है, इसको आवर्त कहा गया है, क्या कहा गया है, आवर्त, ठीक है। तो ये जो वर्ग है, इधर ऐसे ऐसे लाइनें पड़ी मिलेगी आपको, ऐसे पड़ी मिलेगी आपको, इस प्रकार से मिलेगी आपको, इस प्रकार से मिलेगी आपको, इस प्रकार से मिलेगी आपको, और इस प्रकार से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। अब ये ग्रुप एक है, दो है, मान लो ये दो है, ठीक है, ये तीन से बारह तक है, ये तेरह है, ये चौदह है, ये पंद्रह है, सोलह है, सत्रह है, और एक और बना लो भैया अठारह है। तो कितने वर्ग, कितने हैं वर्ग, कितने हैं वर्ग, कितने हैं, ठीक है ना। तो वर्ग हैं आपके भैया एक से स्टार्ट होके अठारह तक वर्ग हैं, और आवर्त हैं आपके सात, ठीक है, आवर्त कितने हैं सात, हो जाएगा बस, ये समझाना था मेरे को, ये वो समझाने के बाद थी। वर्ग कितने हैं, अठारह वर्ग हैं जी। आवर्त कितने हैं, आवर्त आपसे पूछे तो आपको बताना है सात आवर्त है जी, यानी इस प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अठारह तक जाते हैं वो तो वर्ग हैं, और एक दो तीन चार पाँच छः सात तक आते हैं वो आवर्त हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक आपसे पूछेगा, ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक आपके हैं चार, कितने ब्लॉक हैं चार, और चारों को याद भी कर लो भाई, एस पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस पी डी एफ, ठीक है ना, एस पी डी एफ, श्रीमती प्रिया देवी और उसका फ्रेंड, श्रीमती प्रिया देवी और उसका फ्रेंड आपको याद करना है, ठीक है। ये तो बात हो गई ब्लॉक की। अब आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके अंदर तत्व कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इस समय तक तो 114, 112 या 114 एलिमेंट जो खोजे गए थे, लेकिन अब की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो 118 इसके अंदर तत्व हैं। 118 तत्व को भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक से प्राप्त किए हैं, यानी प्राकृतिक हैं यानी नेचुरल हैं तत्व, और एक है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो कृत्रिम है, जो बनाए गए हैं प्रोटॉन डाल के, कृत्रिम तत्व। तो ये तो आपके बताए गए हैं भैया 94, और ये बताए गए हैं 24। विकिपीडिया कहती है हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो 94 तो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, और ये वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए हैं, क्या किए गए हैं, तैयार किए गए, ठीक है। अब जो आवर्त सारणी है उसको मैं बताऊं, आवर्त सारणी के अंदर 118 के 18 तत्व है ना, इनको तीन भागों में भी बांटा जा सकता है, आगे धातु पढ़ेंगे, या तो वो धातु है या उपधातु है, ठीक है ना, और या क्या है वो अधातु है, वो पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, हालीना की रब से फरियाद, बेटी मांगे कार स्कूटर बापरा जी, वो तो हम आगे करेंगे ना, क्योंकि वही ट्रिक आपने बार बार रट रखी है, तो आप उसी पे काम करेंगे, नई ट्रिक आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें इनाम नहीं मिलने वाला, नहीं बता के आपको याद है उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई भैया तत्व वत्व की, 118 तत्व है, ठीक है। पहले कितने तत्व होते, तो 114, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता कई बार यार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पहले 114 तत्व थे, चार नए तत्व कौन से जोड़े गए हैं, अब पीछे से जोड़े गए थे, मान लो चार नए तत्व, ये बुक वगैरह में दिया होता है तो आप हमें लिख लें, ठीक है,
NH है, MC है, TS है और लास्ट वाला OG है। ठीक है, तो पहला है निहा नियम, ये है मास्को नियम। देखो, याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा मैं इसको, मास्को नियम। ठीक है, ये है आपका टेनेसिने, और ये लास्ट वाला है ओर्गेसोन। ये तो याद करना ही करना है, ओगे सोन, ओगेनेसोन। और ये 118 नंबर पे है, ये 113 नंबर पे है, ये 115 नंबर पे है, और ये 117 नंबर पे है। इनके परमाणु क्रमांक हैं, लेकिन ये याद न रखो आप, ये याद रख लें। चार नए गए तत्व कौन से हैं, तब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो, याद कैसे करेंगे, नेहा ने क्या एक नया नियम दिया, नेहा ने क्या दिया, एक नया नियम दिया, नेहा ने एक नियम दिया भी मास्क लगाओ। किसका नियम दिया, मास्क का नियम दिया। नेहा ने नया नियम दिया, मास्क लगाओ टेनिस खेलने के लिए आगे आओ, ऐसे याद कर लो। नेहा ने नियम दिया, मास्क लगाओ टेनिस खेलने के लिए आगे आओ, बस ऐसे याद कर लो, आगे आओ और फिर जाके सो जाओ। ठीक है, तो नेहा ने नियम, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, एक बार ये माइंड में सेट हो जाएगा। ये नाम है ना, आपने कभी नहीं सुने, आपने पहली बार पीरियोडिक टेबल में हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग इसको पकड़ नहीं पाता। तो एक बार थोड़ा सा इसको कैच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी कोई कहानी बना लेते हैं ताकि उसके दिमाग में हो जाए भी नेहा ने क्या कहा। नेहा ने कहा, एक नियम दिया, मास्क लगाओ टेनिस खेलने आओ और जाके आगे आओ, टेनिस खेलने के लिए आगे आओ और फिर जाके सो जाओ, बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा याद रह जाएगा और आ भी जाए आपके ऑप्शन के अंदर, ऐसा भी याद रह गया तो भी आप आराम से क्लियर कर पाओगे। 118 वाला याद जरूर करना है क्योंकि लास्ट का ही है 118। तो वर्ग 18 है, आवर्त 7 है और ब्लॉक कितने हैं, 4 हैं, 4 ब्लॉक है SPDF। आप इसके अंदर कितने तत्व है, कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सा ब्लॉक कहाँ से कहाँ आता है, कुछ ब्लॉक को क्या कहा गया, ये बातें भी हम पढ़ने वाले हैं। एक बात याद रख लो, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु में भौतिक रासायनिक गुण इस प्रकार से हैं, पूरे के पूरे तत्व इन्होंने सजाए। जिस प्रकार से पीछे आवर्त सारणी के अंदर कुछ दोष थे, मेडलीफ के कुछ क्या थे, दोष थे, उनको दूर किया, दूर करके ठीक है हर तत्व को एक स्थान दिया। इस तत्व की विशेषता, इनकी विशेषता क्या है, देखो ये तो हो गई। मोजले ने क्या किया, जैसे पीछे वाले पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ी, पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने क्या पढ़ा, अभी 63 तत्व थे, एक तो तत्व ही कम थे, ठीक है। अब अक्रिय गैस भी आ गई, अक्रिय गैसों को एक अलग से स्थान दिया गया, जिस गुण के हिसाब से इन्होंने अलग अलग स्थान दिया गया। अभी आवर्त के अंदर हम पढ़ेंगे ना, आवर्त के अंदर कुछ आवर्त पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे जाने में वो तो पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो सबसे अच्छी इनकी कामयाबी, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित कर दिया, इसका स्थान निश्चित कर दिया, पहले स्थान निश्चित नहीं था हाइड्रोजन का, बेचारा आवारा तत्व है, कहीं घुमाओ इसको कहीं पे छोड़ दे रहे थे। चार में भी हैलोजन का भी मेल खाता है, तो हाइड्रोजन को एक नंबर पे स्थान दिया, क्योंकि परमाणु क्रमांक पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन का, तो आपको पता है परमाणु क्रमांक एक है और इसका भार भी एक ही है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो भार भी इसका क्या है, द्रव्यमान भी एक माना जाता है, क्लियर है। हाइड्रोजन को क्रमांक एक के अनुसार इसको क्रम एक में वर्ग एक में रखा गया, और आवर्त भी किस में है, ये आप कहोगे आवर्त भी एक नंबर पे है, यानी इसका जो पहला स्थान है पीरियोडिक टेबल में, पहला स्थान किसका, तो पहला स्थान हाइड्रोजन का, इसको क्या दे दिया गया, एक स्थान दे दिया गया, निश्चित कर दिया गया। आपने पढ़ा होगा ये यहाँ बैठा राजा बन के, है ना, तो ये आवर्त नंबर एक, वर्ग नंबर एक के अंदर बैठा हुआ है, वर्ग नंबर एक, आवर्त नंबर एक। अगर आपसे ब्लॉक पूछ ले तो एस ब्लॉक में सबसे पहला स्थान है इसका, एस ब्लॉक में है ये, हो जाएगा क्लियर ना इतना, तो ये तो अपने आपको तो पता ही है यार,
हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, हल्का तत्व है, ठीक है, जिसमें ऐसा तत्व जैसे न्यूट्रॉन, वो तो मैं पढ़ाऊंगा उसकी तरह से। अब आवर्त सारणी की बातें पढ़ रहे हैं, तो इसको स्थान दे दिया एक, पहले ये क्षार के अंदर में मेल खाता था और ये हैलोजन के अंदर में मेल खाता था, तो इसको कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर लेके जा रहे थे, भी मेंडलीफ क्या कर रहे थे, इसको स्थान नहीं निश्चित कर पाए थे, इन्होंने स्थान दे दिया। अभी एक नंबर पर रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे इसका बढ़िया जगह है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक एक है, एक है तो एक जगह एक नंबर पे छोड़ देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। दूसरा, आपके जो आइसोटोप थे समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक का स्थान निश्चित किया गया, समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था क्योंकि उन्होंने जो मेंडलीफ थे उन्होंने परमाणु भार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार क्या कर दिया था, पीरियोडिक टेबल सजा दी। अब ये मैंने पिछले एग्जांपल भी अदर ये, अब इनको कहाँ लगाएंगे, इतने इतने मैंने ये बताया था पोलेनियम जो है उसके 27 आइसोटोप होते हैं, अब 27 को कहाँ लगाएंगे जनाब, अब इनको 27 जगह देने गलत है ना। अब देखो आइसोटोप हैं जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, अब इनको अलग अलग जगह लगाएं तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को कॉमन बनाया था, इस चीज़ को यानी परमाणु क्रमांक को कॉमन बनाया और परमाणु क्रमांक के अनुसार भाई इसको रखते हैं बाकी देखे जाएंगे, इसको रखते हैं बाकी आगे देखे जाएंगे, इसके गुणों के हिसाब इनका इनसे मिलते जुलते हैं तो इनका अध्ययन कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज़ रखते हैं, जिस प्रकार घर में प्रधान है उसको आगे रखते हैं बाकी उसके पीछे आ ही जाते हैं ना, ठीक है। तो इस प्रकार समस्थानिक जो है ना उसका स्थान निश्चित हो गया भाई, ठीक है ना, समस्थानिक का स्थान क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब जो मेन तत्व, जो मूल तत्व है उसको रखा गया पीरियोडिक टेबल में, बाकी उसके आइसोटोप जो साथ में है उनको भाई इसके साथ में अध्ययन कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अक्रिय गैस जो है, इनर्ट गैस, नोबल गैस है, उनको एक स्पेशल वर्ग दिया जिसे शून्य वर्ग कहा गया, शून्य वर्ग में रखा गया, ठीक है। अक्रिय गैस भी मिल गई थी इनके समय, शून्य वर्ग में उसको रख दिया क्योंकि ये शून्य, क्यों, क्योंकि ये शून्य क्रियाशील है, क्योंकि बाहरी इसकी संयोजकता जो है ना 8 है, बाहरी जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इसके 8 हैं, एक को छोड़ के बाकी सभी के 8 हैं, ये किसी से जल्दी से क्रिया करती नहीं, अक्रिय, इसलिए तो अक्रिय बोले इसको, क्रिया ही नहीं करती है, क्लियर हुआ बात, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन विन्यास पे पूरा जोर दिया गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है पीछे उसका कोई जिक्र नहीं था, इसमें तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का ही जिक्र है सारा का सारा, किसमें कितनी संयोजकता है उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल को सजाया गया, किसमें कितनी वैलेंसी है, किसमें कितना कॉन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से हर एक पीरियड के अंदर किस प्रकार सजाए जाएंगे, उस पीरियड की एक खासियत भी है, उस पीरियड के अंदर जो जो तत्व लगे हैं उनका कुछ कॉमन भी है उनके अंदर, तो ये चीज़ें उनके लिए, तो ताकि आगे आने वाले आप जैसे हम जैसे जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाए। पीरियोडिक टेबल को एकदम मस्त सजाया भैया मोजले ने, क्या सजाया, मस्त मोजले, ठीक है। तो यह तो पीरियडिक टेबल की कुछ विशेषता थी जो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब तक तो विशेषता बहुत है भाई, क्योंकि पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे, 2 लेक्चर 3 लेक्चर जितने भी लेक्चर होते हैं समझ के पढ़ेंगे भाई, आप अपने को जल्दी नहीं है, जिन्हें जल्दी है वो चले गए, ठीक है। और जो आराम से अच्छे से पढ़ के अपने को कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस है वो बना के चाहते हैं मुझे नौकरी लगना, और एक साथ कई रिजल्ट आते हैं ना, उसने पढ़ा है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे पढ़ो, प्यार से पढ़ो, एक बार एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रोंग कर लो भी, जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उनको स्ट्रोंग करते जाओ, उस सब्जेक्ट के नोट्स इतने खतरनाक बना लो भी दूसरे के नोट्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े, और फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग हो गया उस दिन आपके पेपर दे दड़ा दड़, एक साथ 3-3 नौकरियां, 2-2 नौकरियां, 4-4 नौकरियां, जितने पेपर दोगे सारे क्लियर होते जाएंगे। उसका कारण यही है भी आप एक बार स्ट्रोंग हो जाओ, ठीक है। टाइम दो अपने आप को यार, भागो मत। एक महीने बाद CET है जी, भाग रहे हैं, एक महीने बाद ग्रुप डी है जी, भाग रहे हैं,
एक महीने बाद जी हमारा वो पेपर है जी, भाग रहे हैं। आज तैयारी करने स्टार्ट की, आज स्प्रिंट लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कुछ टाइम लगता है हर चीज़ के अंदर, तो धीरे 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 पहले बिल्डिंग ब्लॉक करो अपने, उसको सजाओ। एक एक ईंटों से घर बनता है ना, सीधी दीवार उठा के घर नहीं बनता। तो ईंटें ईंटें जोड़ो, फिर घर बनाओ। एक मकान बनेगा ना, उसके बाद आपको कोई रोक दे तो मुझे कह देना, ठीक है। नहीं तो आप फिर भागो, फिर जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, जो क्वेश्चन करवाते हैं उनके पास जाओ आप, ठीक है। आप गलत राय नहीं दे सकते व्यू के चक्कर में, है ना। और व्यू अपने आते हैं कितने क्लियर हुई। अरे वाह सर जी, आप तो पता नहीं क्या क्या कह देते हो ना। कल मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, चलो छोड़ो। उसका क्लास में बहुत ज़बरदस्त सीन देखने को मिलते हैं आजकल, तो भैया मॉडर्न हो गया ज़माना ना। अब देखो आवर्त है ना, आवर्त उसकी कुछ बात बताता हूँ मैं आपको, अच्छी अच्छी बात, ठीक है ना। बहुत खतरनाक चीज़ है ये, लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं है। कितने आवर्त बनाए भाई? 7 आवर्त बनाए जी आपने। आवर्त आप देखो, आवर्त 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 यानी आवर्त की संख्या ऊपर से नीचे जाती है। संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, देखो 5, 6, 7 आवर्त है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, जो आवर्त की संख्या है ना, ठीक है, वो किसके बराबर है? कई बार ये पूछ लेता है। तो आवर्त की संख्या किसको निर्धारित करती है? परमाणु के कक्ष या कोष की संख्या को, परमाणु के कक्ष या कोष की संख्या बताता है आवर्त। एक चीज़ और बताता है, आवर्त संख्या अकेली आवर्त संख्या नहीं बताती, वो साथ में परमाणु के कक्ष या कोष की संख्या बताती है। ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा जब हम बैठे हैं ना। देखो हाइड्रोजन आपका, समझ लो भैया मैं कह रहा हूँ, समझ लो, कोई नहीं समझाएगा यार। हाइड्रोजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसका परमाणु क्रमांक 1 है जी, पक्का 1 है। तो इसमें ये तो नाभिक का पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके बार, तो पहली कक्षा में आ जाएगा, ख़त्म। तो ये कहाँ पे है? आवर्त नंबर 1 में। और कोष कितना है इसका? तो आप कहोगे जी कोष तो 1 है, कोष तो 1 है। समझ में आ रही है ना बात? अरे आ रही है ना। 2 नंबर पे आता है आवर्त में लिथियम। क्या आता है? लिथियम। ये तो हाइड्रोजन है, ये लिथियम लिख देता हूँ मैं ना, लिथियम। इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ। ये क्या है? नाभिक है आपका। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और पहली कक्षा में सबको पता जी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरी के अंदर फिर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। कक्षा कितनी हो गई? 1 और 2, तो कोष हो गए जी 2। आवर्त संख्या 1 में 1, कोष 2 में 2। तीसरा और देख लेते हैं जी, झूठ बोल दिया, हो सकता है 3 तक ना आते हो। नहीं 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 भैया, सोडियम की बात करेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, सबको पता होना चाहिए। हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो ये सोडियम की बात कर रहा है, ये लिथियम की बात कर रहा है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है। शुरुआती कितना है? 11 भर दें। ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज है जी, नाभिक हो गया। इसमें आ गया जी 1, और इसमें आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 कक्ष फुल हो गया, 2 ही जा सकते हैं पहले में। दूसरे में आ सकते हैं कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूसरे में 8 ही भर सकते हैं, सबको पता यार। तीसरे में फिर बच गया 1, तो यहाँ से कितने हो गए? देखो 1 कक्ष 2 कक्ष 3 कक्ष, तो आप कहोगे 3 कक्ष। तो ये परमाणु के कक्ष कोष की संख्या भी बताता है। इस प्रकार मैं कह दूँ, पहले में कितने कक्ष? 1 कक्ष। दूसरे में कितने कक्ष? तो आप कहोगे जी कक्ष दूसरे में 2 कक्ष हो गए, तीसरे में 3 कक्ष हो गए, चौथे में 4 कक्ष हो, और सातवें तक 4 कक्ष यानी
सातवें तक सात कोस यानी सात कोस हो जाते हैं। यानी हर आवर्त के अंदर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, हर आवर्त में या आपको ये पूछा जा सकता है नए आवर्त के साथ एक नया कोष भरना शुरू होता है, एक नया कोष, बात समझ में आ गई तो आराम से हो सकता है, कोष भरना शुरू होता है, ठीक है ना। तो सब में यही है, पूरे पूरे आवर्त के अंदर आपको सात में सात कोष मिलेंगे, छः वाले में छः कोष मिलेंगे, आवर्त संख्या दो में दो कोष मिलेंगे। तो ये बात समझ लोगे आप, हर आवर्त में एक नया कोष भरना शुरू हो रहा है, यानी एक नया आवर्त दो नंबर यानी दूसरा कोष भरना शुरू हो गया। यहाँ पर तीसरा पूरा हो गया, दूसरा पूरा होने के बाद तीसरा शुरू हो गया, और आपको पता भी है KLMNOP 28, यहाँ तक भी याद कर लो, 2 8 18 कितने, 2 8 18 32 होते हैं क्या, इससे निकाल लो 1 2 3 4 2n² ठीक है ना। तो मैं लगा लूँ 4 का, तो 4 चौक 16 16 2 9 32 ऐसे निकालते जाओ आप, कितने भी निकाल लो। तो इसमें कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 32। इसमें कितने आ सकते हैं, 3 रखो इनकी जगह, अगर आपने क्लास लगाई है तो आपको पता होगा, 3 का स्क्वायर 9 9 2 इसमें 18 आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 से गुणा करो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 आ सकते हैं, ठीक है। पहले में कितने आ सकते हैं, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 2, तो 2 8 18 32 इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो पहले में 2 मैक्सिमम आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 आ सकते हैं। पहले वाली क्लास देखी है तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोबारा तो मैं यहाँ नहीं समझा सकता भैया, ठीक है। तो हो जाएगा ना ये, और इसके अंदर एक खासियत और है, ये भी देखो भैया, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो इस प्रकार समझो इसको, अब समझ में नहीं आया, गोला समझ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके अंदर कोष 1 ही था, इसके अंदर ये बात होगी। लिथियम 2 नंबर पे आया, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 1 को 1 इसे सजा दिया, 3 को कैसे सजाए जी, पहले में 2 ये आ गया। सोडियम कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 है तो 2, दूसरे में 8 और 1 इस प्रकार से आ गया। पोटेशियम में कितने, 19 इलेक्ट्रॉन है, सजाओ, 2 हो गए 8 हो गए 8 हो गए 8 16 2 18 1 19, यानी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो भी से पूरे के पूरे आवर्त में समान है, हेलिना करे रब से फरियाद, रबेडियम सीजियम फ्रांसियम, ठीक है। तो इसमें कितने हैं ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। तो इसमें आवर्त केंद्र एक खासियत और देखी आपने, सयोज्य इलेक्ट्रॉन, किसी भी वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये तो वर्ग की बात आ जाएगी, ठीक है ना, किसी वर्ग है ना ये वर्ग, इस वर्ग की बात कर रहा हूँ, सयोज्य इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं, संयोजकता कितनी है, ये बताएंगे आप आगे चल के, ठीक है। ऐसे और पढ़ लें, बावर्त की बहुत लंबी बातें चलेगी भैया, बड़ा लंबा दंगल चलेगा ना। आपसे ये पूछता है, आवर्त संख्या जो है, यहाँ पे आवर्त संख्या लिखूंगा, आवर्त संख्या 1 में कितने तत्व हैं, आवर्त संख्या 2 में कितने तत्व हैं, आवर्त संख्या 3 में कितने तत्व हैं, आवर्त संख्या 4 में कितने, आवर्त संख्या 5 में कितने तत्व हैं, आवर्त संख्या 7 6 में कितने तत्व और आवर्त संख्या 7 में कितने तत्व है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं तत्वों की संख्या यानी आवर्त कौन से, ये तो पता चल गया होगा भैया, ये 1 2 3 4 5 6 7
ये एक आवर्त, ये दो आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त। अब आपने इस प्रकार इसको ऐसे कर लेना है। देखो पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं बनेगा, दो नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा, इसमें छः। अब स्टार्ट देखो कहाँ से करेंगे, पीरियोडिक टेबल है, दूसरे में कितने हैं जी, दूसरे में आठ हैं जी, तीसरे में कितने हैं जी, तीसरे में भी आठ है जी, चौथे में अठारह है जी। तो यहाँ से उधर लेके जाएंगे और यहाँ से शुरू कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पीरियोडिक टेबल बन जाती है। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये एक वर्ग है, ये दो वर्ग है, ये तीन वर्ग है, चार वर्ग है, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह, ठीक है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। ना 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 ना, इस प्रकार से। ठीक है, अठारह नंबर, क्लियर है समझाने के लिए। यानी पहले में कितने तत्व नज़र आ रहे हैं, तो आप कहोगे जी एक तो ये है, एक दूसरे पीरियड में अठारह नंबर पे एक तत्व नज़र आ रहा है, अठारहवें में, तो आप कहोगे जी दो तत्व हैं। आवर्त संख्या एक में दो तत्व हैं, दो में एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ तत्व हैं। कितने हैं, आठ तत्व हैं। तीसरे आवर्त में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तत्व हैं, रटना नहीं है। चौथे में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह तत्व हैं। इसी प्रकार अगले में भी पूरा अठारह तत्व है। इसी प्रकार अगले में कितने हैं, तो पाँच नंबर में और छः नंबर में कितने हैं, ठीक है। तो पाँच और छः, पाँच तो भरी दिया ना अपन, छः नंबर में कितने हैं, तो छः नंबर में बत्तीस हैं और सात में बत्तीस होने चाहिए थे, लेकिन ये अपूर्ण माना जाता है। अभी तक इसमें कुछ तत्व हैं, वो और आएंगे जब जाके ये पूर्ण होगा, अपूर्ण है, ठीक है। बत्तीस क्यों, देखो एक्टिनोट, ठीक है, एक्टिनाइड जो सीरीज है या श्रेणी है उसके अंदर चौदह तत्व है, वो भी काउंट हो गए हमारे, और उस लेथेनॉइड जो है श्रेणी है नीचे एफ ब्लॉक के अंदर, वो भी चौदह, नीचे एक बनाई होती है ना वो, ठीक है। तो बत्तीस, तो होने कितने चाहिए, देखो दो आठ दो दस दस और छत्तीस, देखो यहाँ से लगाओ बत्तीस, बत्तीस और आठ है चालीस, चालीस और दस, चालीस और दस कितने हो गए, चालीस दस पचास, पचास और छत्तीस, पचास और छत्तीस, तो ये हो गए छियासी, और टोटल हमारे पास कितने, एक सौ अठारह, छियासी घटा दो कितने हैं दो, ठीक है, और आठ तीन बत्तीस हो गए, क्लियर है। तो इसको अपूर्ण माना जाता है, क्यों माना जाता है मुझे भी नहीं पता। तो टोटल कितने अपने पास, 118 तत्व हैं, 18 दूनी 36, 36 और 10 46, 46 और 40 है, 46 और 40 है 86 हो गए, ठीक है। तो 14 और 18 ये कितने हो गए, 32। तो वैसे तो 32 पूरे कर रखे हैं, लेकिन चार नहीं थे पहले, तो इसको अपूर्ण कहा जाता है, इनकम्प्लीट जो है पीरियड कहा जाता है, ठीक है। 32 होने चाहिए, क्लियर हो गई बात।
तो आपसे पूछे आवर्त संख्या एक में कितने तत्व पाए जाते हैं, दो तत्व पाए जाते हैं। आवर्त संख्या दो में आठ तत्व पाए जाते हैं, तीन में आठ पाए जाते हैं, चार में अठारह पाए जाते हैं, यानी दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस, दो आठ आठ अठारह अठारह बत्ती बत्ती, आ दो आठ अठारह अठारह बत्ती बत्ती, दो आठ आठ अठारह अठारह बत्ती बत्ती, ठीक है ना। यानी दो आठ आठ अठारह, ये अपने आप पता चल जाएगा। आंख बंद करके इस पीरियोडिक टेबल को देखो एक बार, स्मरण करो इसका, जप नाम करके, ठीक है ना। तो आवर्त सारणी करके तो इसका स्मरण करोगे, एक में दो आ रहे हैं जी, दो में आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस, ठीक है। तो दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस हो जाएगा। ये तो हो गया आपके आवर्त संख्या में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो मैं कह दूं जी, दो नंबर आवर्त है उसके अंदर कितने तत्व आपसे पूछूं, तो आप कहोगे जी आठ। मैं कहता हूँ तीन नंबर आवर्त में कितने हैं, आप कहोगे जी दो आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस, आठ, ठीक है। मैं कहता हूँ चार में कितने, आप कहोगे जी दो आठ आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस, पाँच में भी अठारह। आप कहोगे छः में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो आप कहोगे बत्तीस। और सात में कितने होने चाहिए, बत्तीस होने चाहिए, लेकिन इसको क्या माना जाता है, अपूर्ण, क्या माना जाता है, अपूर्ण आवर्त माना जाता है। क्लियर हो गई जी, ये तो आवर्त की बातें हो गई, बातें हुई नहीं है, बातें जब होगी ना तो बहुत कुछ होगा। यहाँ पे आवर्त सारणी को आप ट्रिक से याद करेंगे सारी की सारी, मैं करवा दूँगा आपको यार, आप टेंशन मत लेना ना। कुछ बातें कर लेते हैं अपन ना, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपको समझनी चाहिए वो समझ लेते हैं उससे पहले। समझदार हुआ। देखो अब कुछ ब्लॉक की बातें करते हैं जो आपको याद करनी है। मैं आज आपको कुछ याद करने वाली बातें बताता हूँ, ब्लॉक। अब पीरियोडिक टेबल, उसमें 118 तत्व हैं, कितने तत्व, 118 तत्व हैं। और ब्लॉक कितने हैं, तो आप कहोगे चार ब्लॉक हैं, ऐसे लिखते हैं फिर। साफ नहीं करना यार इसको, इसको यहाँ से काम लेंगे आप, है ना, थोड़ा सा काम ले लेंगे इसको, है ना। आपको मैं बता देता हूँ, ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है, तीन से भारत। और यहाँ पर आपका दो लाइन नज़र आ रही होगी, नीचे दो लाइन होती है ना, उसको एफ ब्लॉक कहते हैं। नज़र नहीं आ रही तो भी लिख लेना, पीरियोडिक टेबल आपने सबने देखी है, ठीक है। चार हैं तो एक क्या लिखा, एस, एक क्या लिखा पी, एक क्या लिखा डी, और एक को क्या लिख दिया एफ। चार ब्लॉक अपने पास हैं। पहला ब्लॉक है उसमें कौन से ग्रुप आते हैं, तो आप कहोगे जी एक और वर्ग दो आते हैं। एस ब्लॉक में कितने आते हैं, वर्ग है, एक व दो को लिया गया है, एक वर्ग दो को लिया गया है, ठीक है। और इनके अंदर जो आते हैं उनको क्षारक धातु कहा गया है। एस ब्लॉक में क्या है, क्षारक धातु कहा गया है इनको, ठीक है, एल्कलाइन मेटल कहा गया है। और इसके अंदर तेरह तत्व आते हैं, कितने तत्व आते हैं, तेरह तत्व आते हैं, ठीक है। तेरह में से बारह धातु हैं, याद रख लेना, एक अधातु है। और ये आपको सबको पता है भी, एक अधातु कौन सी है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन है। एस ब्लॉक में क्वेश्चन पूछेगा आ जाएगा, यानी एस ब्लॉक है जी, इसमें ये हाइड्रोजन है। एस ब्लॉक के अंदर तेरह तत्व है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः, छः और सात तेरह, तेरह तत्वों में तेरह के ये नीचे वाली सारी धातु हैं, एक हाइड्रोजन क्या है, ए धातु है। तो तेरह तत्व हैं, बारह धातु है, एक ए धातु है, यानी बाईं तरफ कौन सा है, बाईं तरफ कौन सा है, एकमात्र ए धातु तत्व, तो आपको आंसर देना हाइड्रोजन है। एक नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन है, ए धातु है, आवारा तत्व है, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगी बात। इन सभी को क्या कहा गया अभी, ये तो बात ही छोड़ दो इसकी, तो ये जो है ना, लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रबेडियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया, बेरिलियम हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्षार धातु हैं। क्या है? क्षारक धातु कहा गया इनको, एल्कलाइन मेटल कहा गया। तो एस ब्लॉक का ये क्वेश्चन बन सकता है। एस ब्लॉक एक और दो को कहा जाता है, एक वर्ग और दो को। एस का मतलब होता है, यहाँ पे क्या मतलब होता है मैं बाद में बताऊँगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, उसमें एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपने देखा होगा। एस पी डी एफ पढ़ा है ना आपने, एस पी डी एफ। एस में ये सब कोष जो होते हैं, 3, 5, 7 पढ़ाया होगा। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले में एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 14। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने पढ़ा है ना पीछे, तो ये एस पी डी एफ आपको याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ। एस पी डी एफ श्रीमती प्रिया देवी और उसका फ्रेंड, ठीक है। दूसरा पी ब्लॉक, कितने तत्व हैं जी? रटना नहीं है, रट्टा नहीं। 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18वें में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 और ये एक नीचे है, तो 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें 7। 7 × 14 = 21 + 28 = 35। और 35 और 7 कितने हो गए? तो आप कहोगे जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने होने चाहिए, ठीक है। तो आपके टोटल कितने होने चाहिए? देखो आप गिनती लगाओ, इसमें कितने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 4 लाइन आएगी, देखो यहाँ पे 4 ही लाइन आएगी, देखो एक दो तीन चार, और 10 को 4 से करेंगे तो आपको डी में 40 हैं जी, ये भी याद कर लो। एफ में 14 हैं जी, बाकी कितने बच गए देखो भाई, कितने बच गए? 13, 40, 14 इसमें कितने बच गए? 37 है क्या? 37 है क्या? ठीक है, 40 याद करना है बिल्कुल, मैं याद करवा के जाऊंगा यार, मेरे को ये मज़ा आता है। 7, 6 टोटल 100 इसमें 28 है भैया, 14 × 28 है, अपने को मज़ा आएगा, देखो देखो मज़ा आएगा। 11, 6 और 1 = 7, 1 = 8, 81 118 टोटल है, इसमें से 81 गए, पीछे 37 बच गए, ठीक है। तो इसके अंदर कितने होने चाहिए? तो आप कहोगे जी 4 × 2 = 6, 6 × 5 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 5 = 30 और 30 और 8, 30 और 7 = 37। तो ये 37 है, मैं कंफ्यूज मैं भी हो गया था भाई, कंफ्यूज किस लिए हो गया था, मुझे 37 याद था, ठीक है ना, 37 मुझे याद था, लेकिन मैंने इसको 7 गिन लिया था ना, ठीक है, तो हो जाता है कई बार। तो इसमें 40 हैं, इसमें 37 है, ठीक है। 37 से पहले यहाँ पर डी पी ब्लॉक के अंदर क्या आता है? वर्ग, आप लिखो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व वर्ग आते हैं। वर्ग 13 से क्या आते हैं? 18 आते हैं, 13 से 18 आते हैं, हाँ जी। इनको क्या कहा जाता है? छोड़ो, अलग अलग को अलग अलग नाम दिया जाता है, वो बताऊंगा मैं, किसको एल्कोजन, किसको चेल्कोजन, किसको निकोजन, किसको हेलोजन, किसको शून्यग्रस, ठीक है। इसमें तत्व आते हैं, तो आप कहोगे तत्व अब बताए जी आपने, 37 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 × 5 = 35, 36 यानी ये 6, 36 और 1 = 37 टोटल हो गए 37, ठीक है। एकमात्र ऐसा है, ऐसा ब्लॉक कौन सा है जिसमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु भी हैं,
एकमात्र ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर धातु है, धातु उपधातु तीनों पाए जाते हैं। आपको ऐसे पता है एक लाइन खींचती है, यहाँ से एक लाइन खींचती होगी, आपने देखा होगा, जिक जैक लाइन बोल देते हैं उसको आप, है ना। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इधर अ धातु है, यहाँ पे धातु है, और यहाँ पे ये बीच वाली सात उपधातु है। उपधातु कितनी है? सात है। ठीक है, तो कितनी धातु है, कितनी अ धातु है, कितनी उपधातु है, वो तो बाद की बातें पढ़ेंगे हम। इसके अंदर एकमात्र ब्लॉक ऐसा है, पी ब्लॉक, जिसके अंदर धातु, ठीक है ना, जिसमें धातु इधर वाली साइड धातु, यहाँ उपधातु और यहाँ अ धातु पाई जाती है। यहाँ पे अ धातु है, यहाँ उपधातु है, यहाँ धातु है, तीनों। एकमात्र ब्लॉक कौन सा जिसमें तीनों पाई जाती है? ठीक है, क्लियर हो गई बात। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक है ना, उसके कहा जाता है, उसके अंदर आते हैं वर्ग नंबर 3 से 12 तक आते हैं, यानी 10 वर्ग आते हैं उसके अंदर। और एक वर्ग के अंदर 4 तत्व पाए जाते हैं, तो 10 चौक 40। तत्व कितने हैं? तो आप कहोगे 40 तत्व पाए जाते हैं उसमें। कितने तत्व हैं? 40 तत्व। यहाँ से हो जाएगा 10, कितने वर्ग है? 10 हैं, और एक के अंदर 1, 2, 3, 4 हैं, तो 10 चौक 40 हो गए। ठीक है, इन वर्ग के तत्वों को कहा जाता है सकर्मण ट्रांजिशन मेटल, सकर्मण धातु, धातु है सारी की सारी इसके अंदर। तो एकमात्र जिसके अंदर क्या है, एकमात्र तो नहीं है, केवल धातु है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डी ब्लॉक जो, उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे जी केवल क्या पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो इसमें केवल धातु पाए जाते हैं, सक्रमण धातु बोलते हैं इनको, 3 से 12 तक। क्लियर है। एफ ब्लॉक जो है ना, एफ ब्लॉक, इसमें तत्व पाए जाते हैं भाई साहब सारे के सारे, टोटल तत्व इसमें 14 × 28 तत्व हैं। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं एक तो एक्टिनोइड श्रेणी, और एक आती है लेथेनोइड श्रेणी। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इसको स्पेशल समझाऊंगा, ठीक है ना, याद रखना। तो एक्टिनोइड श्रेणी है जो, उसमें 14 तत्व है, एथेनोइड में भी, लेथेनोइड श्रेणी है उसमें भी 14 तत्व है। ठीक है, इनको दुर्लभ सक्रमण धातु कहा जाता है, दुर्लभ सक्रमण धातु कहा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखना, हो जाएगा क्लियर ना। तो ये ब्लॉक थे आपके, देखो नीचे ब्लॉक मैंने बनाया है, सम दिखाई नहीं दे रहा, तो दो लाइनें होती है आपके, दो लाइनें होती है, तो उसमें आवर्त संघ वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो एक तो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 103 तक जाता है, आपको पता है। ठीक है, और एक आपका कहाँ तक जाता है, एक आपका 72 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 72 तक जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, तो एक तो 103 तक जाता है, आपको पता चल गया 103 तक जाता है, और एक कितना जाता है? 72 तक। स्टार्ट कहाँ से होता है जी? स्टार्ट एक तो होता है आपका एक्टिनोइड लेथेनोइड, लेथेनोइड तो स्टार्ट होता है आपका 58 से लेकर 71 तक। कितने हो गए देखो, क्योंकि 57 पे लेथेनोइड पाया जाता है, और एक्टिनोइड आपका होता है 89 से स्टार्ट होता है और 103 तक जाता है, मेरे हिसाब से, नज़र नहीं आ रहा होगा, छोड़ो आप इस बात को, आगे समझेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आवर्तसारण। अब हमारा क्या पढ़ना रहता है, देखो ये समझने वाले बातें थी, अभी तक हमारा पीरियोडिक टेबल ख़त्म नहीं हुआ है। क्लास कितने टाइम की होगी देखो मैं एक बार, छोटी हुई तो फिर बना लें, है ना, 54 मिनट की होगी, ख़त्म नहीं हुई पीरियोडिक टेबल। समझाने में टाइम लगता है भाई कोई चीज़ को, तो उसके बाद पीरियोडिक टेबल जो आएगी ना, इसके बाद हम अगली में हम समझेंगे पहले हाइड्रोजन कहाँ है, लिथियम कहाँ है, सोडियम कहाँ है, उसके बाद फिर उसके बाद हम वर्ग और आवर्त के बारे में दोबारा समझेंगे भी।
परमाणु क्रमांक कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऋणात्मकता कैसे घटती है, कैसे बढ़ती है, किस प्रकार आयनों विभव घटता बढ़ता है, तो ये चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आयनोजाइजेशन जो हब का है वो क्या है, किस किस प्रकार से क्या क्या सिस्टम है। तो इतना बहुत है भैया आज तो, ठीक है, कल की क्लास में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल। ना 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 रे बाबा।